हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नो। तो यार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में और नेम कॉइन के बारे में। तो यार, दोनों क्रिप्टो करेंसी के पता लगाएंगे भाई, इन लॉन्गर रन कैसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हैं। और यार, नेम ने जो नया सिंबल लॉन्च किया है, क्या उसको इन लॉन्गर रन फेवर करने वाला है उसकी प्राइजेस में कि नहीं। तो यार, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले जंप कर जाते हैं डोज कॉइन के ऊपर। तो यार, हमें देखने को मिलेगा कि डोज कॉइन, अगर मैं पिछले 7 दिन का उसको ग्राफ दिखाऊं तो काफी अच्छा खासा ग्राफ देखने को मिला है हमें। अगर मैं मिड ऑफ फेब की बात करूँ तो ये क्रिप्टो करेंसी 3.5 सेंट्स तक गिर गई थी, 3.2 सेंट्स तक गिर गई थी, एक पॉइंट पे 3 सेंट्स पे ट्रेड कर रही थी। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट अपनी वैल्यू को डबल कर लिया है। नो डाउट यार, डोजकॉइन काफी अनप्रेडिक्टेबल कॉइन रहा है। जो ये एक मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है जो कि लोगों की चर्चा में आई थी भाई ट्वीट्स के कारण और बहुत सारे वायरल मीम्स के कारण। उसके बाद लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा रेकलेस होकर इन्वेस्टमेंट्स की थी, जिसके कारण इसकी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 8 सेंट्स के ऊपर पहुंच गई थी। उसके बाद हमें देखने को मिला था बहुत ज्यादा पैनिक सेल आउट, जिसके कारण इसकी प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिला था, जिसके कारण इसकी वैल्यू 3 साढ़े 3 सेंट्स पर गिर गई थी। और बहुत सारे मेजर जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लॉस कमाया था। नो डाउट मैंने अपनी पिछली वीडियोज में भी बोला था कि यार, मिड ऑफ मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की एंडिंग तक ये क्रिप्टो करेंसी 6 सेंट्स के ऊपर एक ट्रेड करेगी, और वो हुआ। उसका अगर मैं मेजर रीजन बताऊं तो वो रीजन था कि यार, उन्होंने एक दो चार चीजें अच्छी कर ली थी। उन्होंने एक मेजर अपडेट किया था, थोड़ा सा सिक्योरिटी को और बढ़िया कर लिया था, अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलूं, जो 5 मार्च को निकलने वाला था। और दूसरा सब जो मैं एक मेजर रीजन मानता हूँ, बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स की थी डोजकॉइन ने। बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम्स ने डोजकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू किया था, मैवरिक ने डोजकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, जो उसके फेवर में गया और हमें देखने को मिला काफ़ी अच्छा प्राइस राइज। अगर हम बात कर ले भाई, इलॉन मस्क ने एक और चीज़ बोली है जिसके कारण इसकी वैल्यू को थोड़ा और इफेक्ट पड़ सकता है और ये थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। बेसिकली यार, आपका NFT पता ही होगा, मैंने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इलॉन मस्क ने अपना रिवर्स कर लिया है डिसीजन सेल आउट करने का NFT, बट नॉट फॉर सेटिंग एन आस्किंग प्राइस फॉर 420 मिलियन डोजकॉइन। सो उन्होंने बोला है कि वो सेल आउट करेंगे भी, तो भाई वो डोज कॉइन में वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, जो कि आर काफी, मैं आपको पहले ही बोलता रहा हूँ, मुझे लगता है कोई चक्कर है, डोज कॉइन और इलॉन मस्क का कोई रिश्ता है, गहरा नाता है, हमें देखने को मिला। वो अभी भी प्रमोट कर रहे हैं डोज कॉइन को, नो डाउट इसको काफी, इस चीज से काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। हमें देखने को मिला था जो उन्होंने पिछले 2 ट्वीट किए थे, उसके बाद 10% ऑफ वैल्यू राइज हुई थी डोज कॉइन की। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा सारे ट्वीट के कारण ही वैल्यू राइज हुई थी, पर हल्का सा इफेक्ट जरूर ट्वीट के कारण पड़ा था। और अगर हम बात करें, अभी भी बात करें, तो यार एक आर्टिकल एफएक्स ट्रेड का निकल के आ रहा है डोज कॉइन के ऊपर, जो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी 7 सेंट्स के ऊपर एक बार फिर से ट्रेड करते हुए हमें दिख सकती है। इसको अगर हम बात करें यार, ये क्रिप्टो करेंसी, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो तीन चार सेंट पे गिरेगी, फिर 5 से 7 सेंट्स पे जाएगी। इसका एक मेजर रीजन है कि नो डाउट एक मीमेज क्रिप्टो करेंसी है, फिर भी ट्रांसफर ऑफ मनी करना काफी आसान रहा है डोजकॉइन में। बहुत सारे फंड रेजर्स में डोजकॉइन को यूज किया गया है, और जो मर्जी कर लो, इसका यूजर बेस और फैन बेस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसमें एक ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर होती है कि यार, ये गिर रही है तो उसके फैंस आके सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज आपको बोलूं तो। हाँ, इन लॉन्गर रन 7 सेंट्स के ऊपर सर्च करते हुए डोज कॉइन दिख सकती है थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर कर सकती है तर, और फिर वापस अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूँ तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डोज कॉइन को वापस 5 सेंट्स और 5.5 सेंट्स तक फिर से ट्रेड करने में। तो इतनी अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, इन लॉन्गर रन ये 7 साढ़े 7 सेंट्स तक जरूर पहुंचेगा। अगर हम बात करें, अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो यार, थोड़ा मैं कहूंगा टाइम वेट कर लो। बहुत सारी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इन लॉन्गर रन आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। अगर मैं एक दो का नाम ले लूँ तो एक है HBAR हैशक्राफ्ट, दूसरी हो गई मैटिक कॉइन हो गया, तीसरा अगर आपको मैं बोलूँ तो चिलीज भी अच्छी क्रिप्टो करेंसी जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच सकते हो। तो मैं फिर भी कहूंगा कि एक मैं, बाकी यार ये मेरा ओपिनियन है, बाकी यार जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे आप उसको, आपके आपके हार्ड एंड मनी है, आप जो जिस चीज में इन्वेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको दे दिया डोजकॉइन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेम कॉइन के बारे में। तो नेम कॉइन, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, नेम कॉइन बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है नेगेटिव रीजंस करके। अगर हम बात कर ले, इसका जो एक सिंबल लॉन्च हुआ था, जो इसका अपडेट चीज लॉन्च की इन्होंने अपडेट, सो बेसिकली सिंबल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये इंटरपोल प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन डिजाइन है जो सपोर्ट करता है टोकनाइजेशन को, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एसेट्स। सो बेसिकली एक
एक चीज करने की कोशिश करी नेम ने, नो डाउट काफी पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी और रनाउंड नाम है नेम का, पर हमें देखने को मिला है कि यार उसी कॉन्फ़िगरेशन में फिर से प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण डिले हो गया था। और इन डिले के कारण यार नो डाउट अगर कोई भी टेक वर्ल्ड है उसमें अगर कोई टेक्निकल एरर आ जाता है उसके कारण इन्वेस्टर्स का ध्यान एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्रिप्टो करेंसी पे ऊपर। और नेम मैं हमेशा से कहता हूँ ना यार, एक एक क्रिप्टो करेंसी बहुत, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा इसको वैल्यू अपनी गेन करने में, पर इन लॉन्गर रन अगर मैं 3-4 महीने की बात करूँ तो ये वैल्यू गेन कर सकती है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो मैं कहूंगा नेम से ज्यादा अच्छी क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको पहली बाकी वीडियोज में बताता रहा हूँ, आप उनमें जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नो डाउट काफी इम्पैक्ट पड़ा है नेम पे यार, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेज में चल रहे हैं लोग। उन सबसे यार एक ही एडवाइस दूंगा मैं कि अभी आप होल्ड करके रख लो, टेंशन की बात नहीं, लॉन्गर रन नेम का भी मार्केट ग्रो कर सकता है। बाकी यार मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े नेम पे, नो डाउट एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है नेम के ऊपर, बहुत नेगेटिव इमेज चल रही है अभी मार्केट में, वो थोड़ा इफेक्ट कर सकता है प्राइस पे। पर मुझे लॉन्गर रन में लगता है कि जब सिंबल प्रॉपर तरीके से लोग फंक्शनैलिटी में आ जाएगा तो हमें देखने को मिल सकता है कि नेम में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बन सकती है और इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जिसके कारण लॉन्गर रन नेम में एक प्रॉफिट का आप देख सकते हो, या फिर जिन्होंने लॉस में चल रहे हैं वो आपस थोड़ा लॉस अपना कम कर सकते हैं। तो ये एडवाइस होगा भाई, इस महीने की एंडिंग तक वेट कर लो नेम का, मुझे लगता है कुछ तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन लॉन्गर रन। अगर मैं बात करूँ आज से 15-20 दिन यार 1 महीने के पकड़ के चल लो, एक पर रख लो, होल्ड कर लो, क्योंकि जो इस करंट प्राइस पे भी ये चलती रहेगी इससे ज़्यादा नीचे जाना नेम का तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो आपको ज़्यादा लॉस होगा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो अगर आप सही तरीके से होल्ड कर रखते हो। मैंने पहले ही बोला था कार्डेनो के टाइम पे भी यार होल्ड करो, और डोजकॉइन के टाइम पे बोला था यार थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्रिप्टो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यार जब आप पेशेंस रखते हो तो आप जरूर पे कर, आपको पे आउट मिलता है एक अच्छा खासा। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा, यही कहूंगा यार, थोड़ा सा ना सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो यार ये तो मेरा टेक था नेम के ऊपर, डोज के ऊपर मैंने आपको बताया भाई डोज कॉइन की प्राइस का राइस क्या है, नेम के क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी मार्केट में इमेज कैसी चल रही है। बाकी यार आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको लगता है कि मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के यार ऑल कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। मैंने बिटटॉरेंट के ऊपर वीडियो डाल दिया और अभी मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, 3:30-4 बजे ऑलमोस्ट 5 बजे आ जाएगी भाई हमारी एक और वीडियो, वो होने वाली है क्या कहते हैं कार्डेनो के ऊपर एंड ट्रोन के ऊपर, तो यार उसको भी जाके जरूर देखना आप, अब तक तो आ ही चुकी है, आप जाके जरूर चेक कर चेकआउट करना, आप काफी पसंद आएगी, उसमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो यार, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है वो प्रॉपर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।